किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं वीडियो, वो मुझे एक किसान ने भेजी है जिनका नाम है धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव बांसलम्बी गांव जिला गुरुग्राम के रहने वाले हैं और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी वीडियो नींबू पर भेजी है। किसान साथियों, इस वीडियो को मैं एक किसान ऐसा भी की सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। इस वीडियो में धर्मेंद्र यादव जी ने मुझे ये बताया है कि किस प्रकार हमारे बताए गए तरीके से उन्होंने अपने नींबू के पौधे की देखभाल की और इस बात का प्रमाण दिया है कि जो नींबू के बीजू पौधे हैं वो पौधे 2 साल बाद फूल आएगा और फल देगा बनिस्बत कि आप उनका प्रबंधन अच्छी तरह करें। किसान साथियों, मैं अभी नागपुर गया था, अकोला गया था, वहाँ के वैज्ञानिकों ने आपको बताया था कि नींबू में, नींबू वर्गीय पौधों में नींबू ही एक ऐसा पौधा है जो हमेशा बीज का अच्छा होता है और आप ग्राफ्टिंग या गुट्टी या आप जो कलम वाले पौधे हैं उनको बिल्कुल मत लगाएं, आप नींबू के बीज के पौधे लगाएं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों को इस तरह नर्सरी वाले दिग्भ्रमित करते हैं कि बीज वाले पौधे पर 5 साल बाद फल आता है। किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर दिनेश पैठनकर ने भी बताया था कि अगर आप उचित देख रेख करेंगे तो 2 साल के बाद आपका फल आ जाएगा उस पर, और इस बात का प्रमाण दे रहे हैं धर्मेंद्र यादव। आइए देखते हैं हम उनकी वीडियो के वो इस बारे में क्या कहते हैं। बीज का पेड़ जो मैंने आपसे बताया था, 2 साल से भी कम है ये, और आप इस पर ये देखो फूल कितना ज़्यादा फूल मतलब आया हुआ है, ये देखो, और ज़्यादा इसकी हाइट भी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी जो देखभाल है वो बहुत अच्छी की। गाय का गोबर, सरसों की खली उसमें मिला के और मैंने इसमें डाला, थोड़ा DAP मैंने इसमें मिक्स किया है, और अब ये देखो बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार, और ये देखो ये फल, और दिखाता हूँ आपको मैं, देखो पूरा पेड़ भर गया है फूल से, ये देखो ये फल भी बन गया है, ये देखो पेड़ के चारों तरफ की मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, ये देखो गुच्छे में ये नींबू आया हुआ है, ये देखो आप, देखो फूल और फल का कितना ज़्यादा इस पेड़ पे, 150-200 मैंने आपको फूल और फल बताए थे अंदाजा से, लेकिन 300 के आसपास है, 300-400 के आसपास है, और लोग कहते हैं कि बीज के पेड़ पे फूल फल बहुत लेट आता है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि 2 साल से भी कम हुआ है ये पेड़, 1.5 साल से ऊपर ऊपर है, 2 साल से कम है, आप चेक कर सकते हो, और मैं एक भी फूल फल नहीं तोड़ूंगा, मैं सारे फल लूँगा इस पेड़ से, क्योंकि बहुत ताकत है इस पेड़ में, क्योंकि मैंने इसमें खाद की मात्रा बहुत अच्छे से की है, ये देखो। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि बीज का ही पेड़ लगाए। अब मैं थोड़ा इसको दूर से आपका दिखाता हूँ, ये पेड़ है देख लो, हाइट भी मेरे हिसाब से इसकी 3 फीट हाइट है, अभी फुटाव इसमें चल लो है, ये देख लो, चेक कर लो आप, हो गई। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो आपने अभी देखी ये थी श्री धर्मेंद्र यादव जी, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया, हालांकि उनके पास एक ही पौधा था और उन्होंने इसलिए लगाया था ये पौधा कि मैं पहले ये देखना चाहता हूँ, बाग लगाने से पहले ये देखना चाहता हूँ
क्या बीजू पौधे पर 2 साल में फल आ सकता है, उचित देख रेख करी और उन्होंने आपको बता दिया कि 2 साल होते होते उनके नींबू पर फल भी हैं। और देखिए पौधा कम से कम वो तो 2 फीट 2.5 फीट का रहे, मुझे लग रहा है वो पौधा 3 फुट से कम नहीं है। किसान भाइयों, मैं एक बार फिर कहता हूँ आपसे, नींबू को कभी भी हाई डेंसिटी पर न लगाएं। आपको ये बताया गया था, जो आपके CCRI नागपुर के वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया, और जो पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया था कि नींबू हाई डेंसिटी में नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि बीजू पौधा ही लगाएं, इधर उधर के बहकावे में मत आए, प्रतिष्ठित नर्सरी से ही पौधे लें और अपना अच्छी तरह देख रेख करें, तो 2 साल के बाद निश्चित रूप से फल आएगा। क्योंकि जो नींबू पौधा आपको अच्छी नर्सरी से मिलेगा वो पौधा 1 साल की उम्र को होगा, यानी 3 साल के बाद फल आ जाएगा आपका। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।